नमस्कार आप सभी को, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज रिंग थ्योरी लेक्चर नंबर 7 में यूनिट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक रिंग आर है, वो रिंग कैसा है कि रिंग विथ यूनिटी, मतलब यूनिटी एलिमेंट रिंग में है। अगर ए रिंग में एक एलिमेंट है ताकि ए यूनिट है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए डिविजर ऑफ जीरो नहीं होगा। तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, मान लिया कि आर एक रिंग है जो कि यूनिटी को रखता है और ए एक एलिमेंट ऐसा है जो कि यूनिट है। ये अगर यूनिट है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिंग में रहेगा। इसका मतलब है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स रिंग में है। तो रिंग में है तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट। ये नंबर वन हो गया। माना कि बी एक एलिमेंट रिंग में है ताकि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई जीरो। अब एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो जीरो होता है। ये एसोसिएटिव लॉ, लेफ्ट साइड में एसोसिएटिव लॉ लगा। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट, तो ये यूनिटी एलिमेंट हो गया। ये नंबर वन को इस्तेमाल किया और यूनिटी एलिमेंट बी के साथ मल्टीप्लाई हो करके बी हो जाएगा, तो b इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम लोग यहां पर देखें कि a और b दो एलिमेंट रिंग में है और a मल्टीप्लाई b जीरो है और रिजल्ट मिल गया b इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि a लेफ्ट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। लेफ्ट डिविजर ऑफ जीरो तभी होगा जब b नॉन जीरो एलिमेंट हो जाता। अगर बी नॉन जीरो एलिमेंट होता और ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो होता तो ए लेफ्ट डिविजन ऑफ जीरो हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां बी इक्वल टू जीरो मिल गया, इसीलिए ए लेफ्ट डिविजन ऑफ जीरो नहीं है, इज नॉट ए लेफ्ट डिविजन ऑफ जीरो। ये नंबर टू हो गया। अभी माना कि सी एक एलिमेंट है रिंग में ताकि सी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग ए इनवर्स से हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, C मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। ये एसोसिएटिव लगा, लेफ्ट साइड में एसोसिएटिव लगा, राइट साइड में जीरो के साथ कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई जीरो हुआ। इंप्लाइज दैट C मल्टीप्लाई ए इनवर्स यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी हो गया। ये नंबर वन को इस्तेमाल किया
और यूनिटी के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होके वही एलिमेंट होता है, तो सी हो गया। तो हम लोग देखे यहां पर कि ए और सी दो एलिमेंट है रिंग का, और सी मल्टीप्लाई ए जीरो होने पर सी जीरो हो गया। इसका मतलब ए राइट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है, ए इज नॉट राइट डिविजर ऑफ जीरो, ये नंबर थ्री हो गया। अगर सी और ए का मल्टीप्लाई जीरो होता और सी जीरो नहीं होता तो निश्चित रूप से ए राइट डिविजर ऑफ जीरो हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां सी जीरो हो गया, इसीलिए ए राइट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। तो नंबर टू में देखें ए लेफ्ट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है, और नंबर थ्री में देखें ए राइट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है, तो ए डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम टू एंड थ्री, दो और तीन से हमको क्या मिला, ए इज नॉट डिविजर ऑफ जीरो, मतलब ए डिविजर ऑफ जीरो नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया। हमें इस नोट को याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर बता रहा है कि ए अगर डिविजर ऑफ जीरो है, एक रिंग में एलिमेंट ए है जो कि डिविजर ऑफ जीरो है, तो ए यूनिट नहीं हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के सहारे इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि जेड सिक्स एक रिंग है जिसका एलिमेंट्स है 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। यहां 2 बार रिंग का एक एलिमेंट है और 2 बार नॉट इक्वल टू 0 बार है। इसी तरह 3 बार भी जेड सिक्स का एलिमेंट है और 3 बार नॉट इक्वल टू 0 बार, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई 3 बार इक्वल टू 3 बार मल्टीप्लाई 2 बार इक्वल टू 6 बार। 6 बार मतलब है 0 बार, क्यों, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष रहेगा, तो शेष को लेकर ही बार बनता है। तो यहां पर देखें कि 2 बार 0 बार के बराबर नहीं है और 3 बार भी 0 बार के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 बार के बराबर हो गया। इसका मतलब है 2 बार डिविजर ऑफ 0 है। अब हम लोग देखें कि 2 बार के साथ कोई एलिमेंट जेड सिक्स का एक्स बार लेकर के यूनिटी एलिमेंट बनेगा कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू यहां पर 0 दे देंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई 0 बार इक्वल टू 0 बार, तो यूनिटी नहीं हुआ। 2 बार मल्टीप्लाई 1 दे दिया 1 बार, तो 2 बार हो गया, ये भी 1 बार के बराबर नहीं। 2 बार मल्टीप्लाई 2 बार 4 बार, ये भी 1 बार के बराबर नहीं। 2 बार मल्टीप्लाई 3 बार 6 बार मतलब 0 बार, ये भी 1 बार के बराबर नहीं। 2 बार मल्टीप्लाई 4 बार 8 बार, 8 बार मतलब 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है शेष, तो 2 बार हो जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई 5 बार मतलब 10 बार, 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है, तो ये 4 बार हो जाएगा। इसका मतलब 1 बार नहीं बना, नहीं बना, तो इसका मतलब है कि 2 बार का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिला, तो 2 बार यूनिट नहीं है, 2 बार इज नॉट यूनिट। यहां पर देखे 2 बार डिविजर ऑफ 0 है तो 2 बार यूनिट नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक रिंग R है जो कि यूनिटी को रखता है, इसके अंदर में
जितना यूनिट्स है सब यूनिट्स का कलेक्शन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता हो, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं रिंग R है जिसमें यूनिटी रहता है, और U एक सेट है जो कि रिंग के अंदर में जितना यूनिट्स है ये सब का कलेक्शन है, और I है R का यूनिटी एलिमेंट। तो I अगर यूनिटी एलिमेंट होगा तो I मल्टीप्लाई I इक्वल टू I होना है, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट का काम है कि किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर के उसी एलिमेंट को देना। तो यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर के यूनिटी दे दिया। तो इसका मतलब है कि I का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स I ही है, तो I का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया, मतलब I एक यूनिट है। तो I अगर एक यूनिट है तो I U का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि U यूनिट्स को रखता है, तो U में I एक एलिमेंट के रूप में हो गया, मतलब U में कम से कम एक एलिमेंट मिल गया, तो U नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब R को बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ हमको ग्रुप प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, ये सबको प्रूफ करना है। नंबर वन, माना कि ए और बी दो एलिमेंट है यू का, तो यू तो यूनिट है, यूनिट होने पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट इन रिंग आर। तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू यूनिटी, और बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इक्वल टू यूनिटी। ये नंबर वन, ये नंबर टू हो गया, चूंकि ए और बी दो एलिमेंट यू में है, मतलब रिंग में है, एंड रिंग आर होल्ड्स क्लोजर लॉ, इंप्लाई दैट ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू आर, रिंग आर में हो गया। इसी तरह से बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स भी रिंग में हो गया। तो चलिए रिंग का एलिमेंट हो गया ए मल्टीप्लाई बी, और बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स दोनों रिंग का एलिमेंट है। अभी हम लोग ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स को देखते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स का मतलब यूनिटी, और यहां पर ए इनवर्स हो गया, तो ए मल्टीप्लाई यहां पर यूनिटी मल्टीप्लाई ए इनवर्स मतलब यूनिटी हो गया। ये नंबर थ्री हो गया। फिर देखते हैं बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई एसोसिएटिव में ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी,
तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई, यहां पर फिर एसोसिएटिव, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए का मतलब यूनिटी मल्टीप्लाई बी, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई यूनिटी मल्टीप्लाई बी, तो बी हो गया, और बी इनवर्स बी हो गया यूनिटी, ये नंबर फोर हो गया। तो हम लोग को थ्री और फोर से क्या मिला, फ्रॉम थ्री एंड फोर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू यूनिटी। तो इसका मतलब हो गया बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए बी का इनवर्स है, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिला मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिला मतलब ए बी यूनिट है, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज ए यूनिट इन रिंग आर, रिंग आर में यूनिट हो गया, मतलब ए बी यूनिट अगर हो गया तो ए बी ए मल्टीप्लाई बी U का एलिमेंट हो गया। तो हम लोग देखें यहां पर A और B U का एलिमेंट था और A मल्टीप्लाई B U का एलिमेंट हो गया, इसका मतलब है U इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया। अभी हम लोग एसोसिएटिव लॉ को दिखाएंगे। माना कि ए बी सी बिलोंग टू यू, यू है रिंग के अंदर में एक सेट जो कि यूनिट्स को रखता है, जितना रिंग में यूनिट बनता है वो यूनिट को रखता है, तो यू सबसेट है रिंग का, तो हो जाएगा ए बी सी रिंग का एलिमेंट हो जाएगा। तो रिंग तो एसोसिएटिव होता है, तो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन यू विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन नंबर थ्री। माना कि आई रिंग का यूनिटी एलिमेंट है, लेट आई बी द यूनिटी एलिमेंट इन रिंग आर, रिंग आर में ये यूनिटी एलिमेंट है, तो यूनिटी एलिमेंट है तो आई मल्टीप्लाई आई इक्वल टू आई होगा, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि उसके साथ किसी का मल्टीप्लाई हो जाए तो वही वही एलिमेंट हो जाएगा। यहां पर उस एलिमेंट के बदले आई है, यूनिटी ही है, तो इससे साबित हो रहा है कि यूनिटी एलिमेंट का इनवर्स यूनिटी एलिमेंट है, देयरफॉर इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई इज आई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिंग में अगर होगा तो वो यूनिट हो जाएगा, देयरफॉर आई इज ए यूनिट इन आर। अगर आई यूनिट हो गया मतलब आई यू का एलिमेंट हो गया, क्योंकि यू जितना यूनिट बनता है सबका कलेक्शन को रखता है, तो लेट ए बिलोंग्स टू यू, तो ए अगर यू में है तो ए मल्टीप्लाई यूनिटी इक्वल टू यूनिटी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया
आई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन यू नंबर फोर माना कि ए यू का एक एलिमेंट है, मतलब ए एक यूनिट हो गया, ए इज ए यूनिट इन रिंग आर, रिंग आर का ये यूनिट हो गया। तो यूनिट होने का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, और ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब देखा जा रहा है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए है, इंप्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। इसका मतलब है ए इनवर्स इज ए यूनिट, इन रिंग आर मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू यू। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यू एग्जिस्ट इन यू। तो हम देख रहे हैं कि चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, देयरफॉर यू विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दिया तो यू विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप। तो प्रूव हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।